का दीप जलाए। आओ स्नेह का दीप जलाए, आओ अपना फर्ज निभाए। देश में क्यों कर जीते हो क्लेश में, क्या रखा द्वेष और विद्वेष में, क्या रखा? जब जब हम द्वेष करते हैं ना किसी से तो हमें क्लेश होता है, जब हम मित्रता करते हैं, क्षमा करते हैं किसी को, हमारा चित्त क्लेश रहित होता है। तो क्या रखा है द्वेष करने में, क्या रखा है द्वेष विद्वेष में क्यों कर जीते हो क्लेश में, अब तू त्यागो तू चेष्टाएं हम सब के ही मन सरसाए। आओ स्नेह का दीप जलाए, अपना फर्ज निभाए। बताइए साथ में क्या जाता है आपके, आप क्या लाए थे और साथ में क्या जाता है, फिर हमें इतनी बेईमानी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, जो बेईमानी करके या भ्रष्टाचार करके हम पैसा कमाते हैं, आप विश्वास करिए मेरा, वो पैसा या तो डॉक्टरों के पास जाने वाला है, या आपके बेटों को मंदबुद्धि कर देगा, या आपके बेटे को चरित्र भ्रष्ट कर देगा, ये पक्की बात है। फिर उस बेईमानी का क्या मतलब? यदि आप वो पैसा बेईमानी से लेते हैं तो उसे समाज की भलाई के लिए लगा दीजिए, तब आपका बैलेंस उससे और अच्छा होगा। बोलो क्या है साथ में जाता फिर बेईमानी क्यों अपनाता, बोलो क्या है साथ में जाता फिर बेईमानी क्यों अपनाता, जो जो है सब जग से आता ऐसा भाव तू क्यों नहीं लाता, जो जो है सब जग से आता ऐसा भाव तू क्यों नहीं लाता। आतंक हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, जब हमारा चित्त आतंकित होता है ना हम स्वयं परेशान हो जाते हैं। तो बाहर का आतंक तो हमें एक बार मारता है, पर हमारे भीतर का आतंक हमें बार बार मारता है। तो आतंक हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। और ये याद रखिए कि अगर हम अपराध करते हैं तो इसकी सृष्टि में कभी क्षम्य नहीं होता है, कोई देखता है कि नहीं देखता, पर इसकी सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं होता। आप इस सीसीटीवी कैमरे को शायद कपड़ा लगाकर ढक सकते हो, इस सीसीटीवी कैमरे को हाथ रखकर ढक सकते हो, पर परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे को न ढक सकते हो, न हाथ लगा सकते हो, न विक्स लगाकर उसे धुंधला कर सकते हो। उस परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा तप
करे पाताल में प्रकट होए आकाश, दाबी डूबी ना रहे कस्तूरी की स्वास। इस धर्म के कर्म के सिद्धांत को अटल समझकर कर्म का फल अवश्य मिलना है, इस बात को ध्यान रखो। ये वेद और पुराण सभी कहते हैं, इसीलिए प्रत्येक जीव में परमात्मा को समझकर कृष्ण का संदेश जीवन में अपनाओ और सरस और मधुमय जीवन को बनाओ। आतंक जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपराध होता कभी क्षम्य नहीं है। आतंक जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपराध होता क्षम्य नहीं है। कर्म का फल तो मिलना जरूर है, वेद पुराण ये सब कहते हैं। आओ कृष्ण संदेश सुनाए, कर्म योगी बन जाए। आओ कृष्ण संदेश सुनाए, कर्म योगी बन जाए। आओ स्नेह का दीप जला, अपना फर्ज निभा। सबका पालनहार एक ही है, चाहे उसको अल्लाह कह दो, चाहे उसको हरि कह दो, चाहे उसे कृष्ण कह दो, चाहे माँ जगदम्बा कह दो, एक ही पालनहार, एक ही सत्ता और ब्रह्म सत्ता काम करती है। उसके नाम कई अलग अलग रूप हो जाते हैं। जब उस अल्लाह एक है, रहीम एक है, राम एक है, तो भेदभाव हम क्यों करते हैं? हम नीचे आकर भेदभाव करते हैं कि ये इस जाति का है, इस धर्म का है, ये अल्लाह है, ये राम है, ये रहीम है। 24 एकादशियां हिंदू रखता है, 30 दिन रोजा मुसलमान रखता है। बताओ भला भगवान किसी ने देखा है? पूर्व में राम रखता है, पश्चिम में रहीम रखता है, अपने दिल में भगवान किसने रखा है? किसी ने नहीं। मंदिर में राम बैठा है तो मस्जिद में अल्लाह बैठा है। जिसने उसे अपने दिल में देखा है, उसी ने सारे जन जन में पूजा। जग में हम बने नैतिक संत, आओ ऐसी ज्योति जलाए, जगमग जीवन हो जाए। आओ ऐसी ज्योति जलाए, मधुमय जीवन हो जाए। आओ स्नेह का दीप जलाए, आओ अपना फर्ज निभाए। हरे राम राम राम, राम।